अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इकरा खान ओवर हियर वेलकमिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ मैथ्स बॉक्स। आई एम हियर टू डिलीवर लेक्चर नंबर 7 ऑफ मैकेनिक्स, रेक्टिलिनियर मोशन, इन विच आई एम गोना डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन पर, ठीक है, जिसके हमने दो लेक्चर्स जो हैं आपको डिलीवर कर दिए हैं। ये बेसिकली तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का और ओवरऑल मैकेनिक्स का ये कोई सातवां लेक्चर है। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को डिस्कस करना है और इसको भी हम दो हाफ्स में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बगैर अपना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, वो कहता है कि आपने डिराइव करनी है ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इससे पहले भी हम लोग इसको डिराइव कर चुके हैं मैथमेटिकल मेथड से, अब हम लोगों ने इसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ग्राफिकल मेथड से करना है। तो ये फिगर मैंने आपके सामने बना दी है, ये बेसिकली टाइम वेलोसिटी ग्राफ है। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिन है, मतलब ये आपने बेसिकली क्या ड्रॉ किया है, आपने ड्रॉ किया है टाइम वेलोसिटी ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। एक बॉडी है वो ओरिजिन वो से मूव करती है और वो मूव करके पहुंचती है किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, और उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास कितनी है, यू है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो बॉडी जो है वो किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है और पहुँचती है पॉइंट बी तक, ठीक है। और पॉइंट बी तक जाने के लिए जो उसकी वेलोसिटी है वो टोटल वेलोसिटी आपके पास होगी वी, मींस यहाँ से यहाँ तक जो भी आपकी वेलोसिटी होगी उसको उसने फाइनल वेलोसिटी का नाम देते हुए क्या नाम दिया है, वी। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटीज जो हैं वो आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटीज हैं, वो ये हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। इनके पॉइंट्स के नाम भी मैं दे देती हूँ, चले ये वाला मेरे पास पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अब देखिए जो आपको टाइम लगा है वो टोटल ये टाइम है, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जो आपको टाइम लगा है बॉडी को, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वैसे उसने रास्ता ये लिया है, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट हुई है उसके लिए उसने क्या क्या दिया है कि ये टाइम है, इतने टाइम में, क्यों, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने टी लिया हुआ, तो टी ये टोटल डी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, आपको पता है कि जो स्लोप होती है वो टेन ऑफ थीटा के इक्वल होती है, मतलब अगर आप देखें यहाँ पर तो आपके पास टेन ऑफ थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है, और स्लोप किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन की इक्वल होती है, किसकी इक्वल होती है, एक्सेलरेशन की इक्वल है। अब ये वाली चीज़ हमने ग्राफिकली यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करना है, तो देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर एक फिगर का थोड़ा सा पोर्शन और फाइंड आउट कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, वो क्या है कि ये सारा की सारी वेलोसिटी आपके पास यू है, ये सारी की सारी वेलोसिटी आपके पास वी है, तो इस पोर्शन में अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ, मतलब बी और सी की, मैंने पॉइंट बी से सी तक वेलोसिटी की अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या होगी, ऑब्वियसली मुझे नज़र आ रही है कि टोटल वी है और इसमें से ये वाला पोर्शन मैं माइनस कर दूंगी तो ये बी से सी तक मेरे पास क्या आ जाएगी, वी माइनस यू। ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप टेन ऑफ थीटा लगाएं, टेन ऑफ थीटा ट्राइंगल पर लगाएं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर आपके पास बी सी है और बेस आपके पास कितनी है, ए सी। और अगर यहाँ पर मजीद वेरीफिकेशन वैल्यूज पुट करें तो टेन आपके पास किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन, मतलब टेन ऑफ थीटा स्लोप के इक्वल होता है, स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। और बी सी की वैल्यू अगर आप फिगर से देखें दैट इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। और अगर आप ए सी का डिस्टेंस देखें, ओ से लेकर डी तक टाइम टी है तो ये ए से सी तक ओ डी के पैरेलल ही है, लिहाजा ये भी कितना होगा, टी ही होगा। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, वी माइनस यू, यहाँ से इसको आप अरेंज कर लें, तो बेसिकली ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है जो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इसमें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है, और ये आपके पास क्या है,
ये टाइम है, ये बेसिकली टेन ऑफ थीटा लगा के आपने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर ली है। अब अगर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली होती है आपके पास एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर या ए टी स्क्वेयर। तो एक्स बेसिकली डिस्टेंस होता है, और आपने एक आर्टिकल पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होता है। तो एरिया अंडर कर्व बेसिकली क्या बन रही है, दो चीज़ें बन रही है, एक आपके पास रेक्टेंगल बन रही है और दूसरी ट्राइंगल बन रही है। तो लिहाजा अगर आप पूरा डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो आपके पास किस तरीके से निकलेगा, एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एरिया ऑफ, यहाँ पर पूरा लिख लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखें, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इसकी कितनी है टी, विड्थ इसकी कितनी है यू, तो वो आपके पास आ जाएगा यू टी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या होता है, हाफ बेस, बेस आपके पास ए सी है, ए सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। और ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड आपके पास क्या है ये, तो अल्टीट्यूड आपके पास आ जाएगा वी माइनस यू, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस वी माइनस यू। आप अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखें तो वो आपके पास किसके इक्वल है, वो आपके पास बेसिकली ए टी के इक्वल है। यहां रेफरेंस दे लें यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल किया है। सो एक्स आपके पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वेयर, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। इस तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए देखिएगा क्या होगा, ऑल्सो आपके पास एक्स को हम डायरेक्टली भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने उसको स्प्लिट करके निकाला, हम डायरेक्ट निकालेंगे तो ये आपके पास जो फिगर बन रही है ओ ए बी डी, ये बेसिकली एक ट्रेपीजियम है। तो मतलब एक्स आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, स्पेलिंग देख लीजिएगा ट्रेपीजियम की क्या होते हैं, और ट्रेपीजियम आपके पास है क्या, ए बी डी ओ। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला आपके पास क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और साथ ही आप मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। जरा इसमें वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन देखिएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स आपके पास क्या है, ये और ये पैरेलल साइड्स हैं, U और V आपके पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आएंगी, मतलब U प्लस V, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड आपको नजर आ रहा है वो क्या है, T, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास T। अब इसको आप अरेंज कर लें और T की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से यूज कर लें, 2 मैं इस तरफ ला रही हूँ, ये हो गया, अच्छा U प्लस V हो गया, और T की वैल्यू अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल के लगाएंगे तो आपके पास V माइनस यू बाई ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी 2ax, और इस पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला लगा लूंगी, तो वो मेरे पास आ जाएगा बेसिकली क्या, ये जरा गौर करना है कि v माइनस यू है, तो आपने यहाँ u यू स्क्वेयर इसको पहले अरेंज कर लीजिएगा, मतलब इस चीज को v माइनस यू और इसको v प्लस आप लिख लें। चले मैं इसी स्टेप को यहीं पे अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि एडिशन आपके पास कम्यूटेटिव है तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इजिली आप फार्मूला लगा सकते हैं वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, और यही आपके पास बेसिकली क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको आपने अब सारी इक्वेशन को आपने ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, वो कहता है पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, साथ साथ मैं इसका डाटा कलेक्ट कर लेती हूँ। इनिशियल वेलोसिटी को आप यू से लिखते हैं, रेस्ट से है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 60 miles per hour। जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वो कितनी है, 60 miles per hour, ठीक है। अच्छा पहले इसको कन्वर्ट कर लें, 60 miles per hour को आप फिट्स पर सेकंड में कर लें, तो माइल्स से जब आप फिट्स में जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1760 × 3, ये आपने याद रखना है कन्वर्जन्स, ठीक है, कि माइल्स को आप फिट्स में लेके जाना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैं या इसको मैं
माइल्स को मीटर्स में लेके जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 याद कर रखी है, ठीक है। और या मैं इसको फिट्स में लेके जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू, जी की जो वैल्यू है वो बेसिकली मैंने 32 फिट्स याद कर रखी है। तो मैं माइल्स से फिट्स में जाना ज़्यादा आसान है, 1760 मल्टीप्लाई बाय 3, और पर आवर का मतलब है आवर्स को पहले आप किस में कन्वर्ट करें, मिनट्स में, और फिर मिनट्स को किस में कन्वर्ट करें, सेकेंड्स में। तो ऑब्वियसली यहाँ से जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 88 फिट्स पर सेकेंड। ये आपने कन्वर्जन कर लिया साथ साथ। उसके बाद देखिए फाइंड एक्सेलरेशन, आपने क्या फाइंड आउट करना है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, ठीक है। और फर्दर क्या कहते हैं, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और आपने एक्स मालूम करना है, कौन सा वाला, बाय द पार्टिकल इन लास्ट 3 सेकेंड्स, जो आखिरी 3 सेकेंड्स में उसने डिस्टेंस कवर किया होगा पार्टिकल ने, वो आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन आप अगर यूज करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो आपके पास है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसमें अगर आप वैल्यूज पुट कर दें, और फर्दर उसने आपको कहा हुआ है 4 सेकेंड्स भी है, मीन्स टाइम भी आपको गिवन है यहाँ पर, आप टाइम भी लिख लें, टाइम आपके पास कितना है, 4 सेकेंड। इस वजह से मैंने कन्वर्जन सेकेंड्स में की थी, क्योंकि टाइम मेरे पास सेकेंड था, ठीक है, सेकेंड में था। अच्छा, वी 88, इनिशियल वेलोसिटी 0, फिट्स में ए की वैल्यू 32 होती है, ठीक है, और ये बेसिकली हम लोगों ने फाइंड आउट करना, वो जी की वैल्यू 32 होती है। टी आपके पास कितना है, 4 सेकेंड। सो 88/4 अगर आप करें तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या निकल आएगी, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 22 फिट्स पर सेकेंड स्क्वेयर, यूनिट आपने मिस नहीं करनी। तो ये आपने क्या निकाल ली, एक्सेलरेशन, एक टारगेट आपने पूरा कर लिया। उसके बाद कहता है आपने एक्स निकालना है, और एक्स आपने वो निकालना है जो लास्ट 3 सेकेंड्स में है, किस में, लास्ट 3 सेकेंड्स में। तो अगर आप इस पर गौर करें तो डिस्टेंस कवर्ड इन, ये पूरा लिख लीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स, जो 4 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर हुआ है वो आपके पास बेसिकली क्या है, अगर मैं उसको एक्स का नाम दे लूँ, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाऊं तो वो मेरे पास है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें मैं अगर वैल्यूज लगाऊं तो मेरे पास ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, लिहाजा ये टर्म यहाँ से खत्म हो गई, 1/2, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई, 22, और टी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 सेकेंड का स्केयर। तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो बेसिकली 176 फिट्स आ गई है। इसी तरीके से मैंने क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन कौन से सेकंड में, फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है मैं उसको एक्स वन का नाम दे रही हूँ। उसके लिए भी मैं यही वैल्यू लगाऊंगी, तो यू टी यहाँ पर वो भी 0 हो जाएगा, 1/2 पुट करें यहाँ पर, ए की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 22 ही रहेगी, और टी की जगह आपकी दफा 1 सेकेंड है, तो 1 का स्क्वेयर अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11 फिट्स, ठीक है। मतलब पहले सेकंड में उसने 11 फुट जो है ना फासला तय किया, चौथे सेकंड में उसने 176 फिट्स किया है, पहले सेकंड में उसने 11 फुट किया, तो फिर टोटल 4 सेकेंड है, लेकिन उसने तो मांगी है आपसे कौन सी वाले की, लास्ट 3 सेकेंड्स की, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस आप किस तरीके से निकालेंगे, आप एक्स में से एक्स वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो क्या होगा, 176 में से आप 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 165 फिट्स, जो आखिरी 3 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर होगा वो बेसिकली 165 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है टू पार्टिकल स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ओ, दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन्होंने पॉइंट ओ से मोशन को स्टार्ट किया है एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, वन विद द वेलोसिटी 45 माइल्स पर आवर, और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 2 फिट्स पर सेकेंड। दो पार्टिकल्स हैं, हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर साथ साथ, कि आपके पास फर्स्ट पार्टिकल का डाटा मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, पार्टिकल, और सेकंड पार्टिकल का डाटा मैं यहाँ लिख रही हूँ। अगर आप गौर करें तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए उसने वेलोसिटी क्या दी हुई है, 45 माइल्स पर आवर, ठीक है, उसकी वेलोसिटी आपके पास यू कितनी है, 45 माइल्स पर आवर।
अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है इसको किस में, फिट्स पर सेकंड्स में, तो 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस से, 1760 मल्टीप्लाई बाय 3 से, और बाय में आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड कर देंगे, और टोटल आपके पास जो बनेगी वो बनेगी 66 फिट्स पर सेकंड। इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल के लिए अगर आप डिस्कशन करें तो वो क्या कहता है, फर्दर वो आपको कहता है एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है, 2 फिट्स है, तो एक्सेलरेशन आपको बता दी है 2 फिट्स पर सेकंड स्क्वायर है। कहता है अनदर पार्टिकल विद अ वेलोसिटी 90 माइल्स पर आवर, ये माइल्स एम यहाँ पर माइल्स को शो कर रहा है, बेसिकली मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा, तो मतलब सेकंड पार्टिकल की जो आपके पास वेलोसिटी है वो कितनी है, 90 माइल्स पर आवर, इसको भी कन्वर्ट कर लें, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 1760 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड कर देंगे इसको 60x60 से, तो इसका मतलब है सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी आपके पास आएगी वो क्या आ गई, 132 फिट्स पर सेकंड हो गई। आगे आपको क्या कहता है, आगे कहता है एंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होती है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब ए आपके पास किसकी इक्वल होगी, नेगेटिव ऑफ रिटार्डेशन, तो वो क्या हो जाएगी, 8 फिट्स पर सेकंड्स का स्क्वायर। आगे आपको कहता है क्या फाइंड टाइम, आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने टाइम फाइंड आउट करना है, टू फाइंड मैं यहां लिख देती हूँ, जो आपने चीज फाइंड आउट करनी है आपने एक तो टाइम फाइंड आउट करना है, कब, आफ्टर विच द वेलोसिटीज ऑफ बोथ विल बी सेम, वो टाइम आपने मालूम करना है जिसके बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, पहले की वेलोसिटी आपके पास 66 और दूसरे की 132 फिट्स है, तो आपने वो टाइम निकालना है जब आपकी वेलोसिटीज क्या हो जाए, सेम हो जाए, और दूसरा आपने क्या निकालना है, एंड डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम द पॉइंट वेयर द मीट अगेन, और डिस्टेंस भी आपने निकालना है जहां पर वो दोबारा एक दूसरे को क्या मिलेंगे, ठीक है, तो एक्स भी मालूम करना है आपने, ठीक हो गई बात। तो अगर आप फर्स्ट पार्टिकल के लिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करें तो वी वन आपके पास क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी वन यू आपकी इसके डाटा के लिए कितनी है 66, एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है 2, टाइम आपने मालूम करना है, नेम इट एज इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल के लिए वी टू यू प्लस ए टी, वी टू यू की वैल्यू 132, ए की वैल्यू -8, यहाँ पर आ गया टी, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस हैं और आपको कंडीशन दी हुई है व्हेन वेलोसिटीज ऑफ बोथ विल बी सेम, तो गिवन कंडीशन के मुताबिक आपके पास वी वन क्या होना चाहिए, किसकी इक्वल होनी चाहिए, वी वन, ठीक है, चले मैं यहाँ पर सेंटर में करके लिख देती हूँ, ये डाटा जो दो अलग अलग का डाटा था वो सेपरेट हो गया, अब यहाँ पर सेंटर से आपने शुरू करना है, वी वन इज इक्वल टू वी टू, वी वन और वी टू को अगर आप इक्वेट करें तो 66 प्लस 2t इज इक्वल टू 132 माइनस 8t, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो t की वैल्यू आपके पास बेसिकली क्या बनेगी, 66 बाय 10 एंड दैट इज इक्वल टू 6.6 सेकेंड्स, ठीक है, और इस टाइम सेकेंड के बाद उसकी उन दोनों की वेलोसिटीज पार्टिकल्स की क्या हो जाएंगी, सेम। अब मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ, हम सपोज कर लेते हैं कि पार्टिकल जो है वो मीट करते हैं एक दूसरे को डिस्टेंस एक्स के बाद, ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वो बेसिकली क्या बनेगी, दैट विल फर्स्ट पार्टिकल के लिए मैं इस साइड पे कर रही हूँ, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है, और बस ये फिर से थोड़ा सा चेंज देने के लिए टाइम हम पहले भी निकाल चुके हैं तो हम इधर टी प्राइम का की नोटेशन दे रहे हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज को पुट करें, फर्स्ट के लिए यहाँ पर एक्स वन है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, एक्स वन यू आपके पास फर्स्ट पार्टिकल के लिए 66 था, ये टी प्राइम एज इट इज 1/2, एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्टिकल के लिए 2 थी, टी प्राइम का स्केयर एज इट इज, एक्स वन आपके पास क्या हो जाएगा 66 टी प्राइम, और ये दोनों कैंसिल होने के बाद टी प्राइम का स्केयर, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए आपने यही काम करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू यू टी प्राइम प्लस हाफ
टी प्राइम का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लें। यू सेकंड पार्टिकल के लिए आपके पास 132 थी, टी प्राइम एज इट इज 1/2, ए की वैल्यू -8 थी क्योंकि रिटार्डेशन थी, और टी प्राइम का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास वैल्यू बनेगी 132 टी प्राइम माइनस यहाँ पर बन जाएगी 4 टी प्राइम का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या है, हमने ये लेना है डिस्टेंस दोनों कवर क्या हो, सेम हो, तो एक्स वन को आप किसके इक्वल रख लें, एक्स टू के। कंपेयर करें 66 टी प्राइम प्लस टी प्राइम का स्क्वायर 132 टी प्राइम माइनस 4 टी प्राइम का स्क्वायर। इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 5, ये इधर आ जाएगा तो 1 और 5 4, 5 बन जाएंगे, और इसको जब इधर माइनस करेंगे तो वो 66 टी प्राइम रह जाएगा। कॉमन ले लें टी, आपके पास हो गया 5t माइनस 66। यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज जनरेट होंगी, एक टी की वैल्यू आपके पास जनरेट हुई है 0, और दूसरी आपके पास टी की वैल्यू 66/5 होगी, ठीक है, 66/5। अब देखें टी प्राइम इज इक्वल टू 0, ये तो आपके पास रेफर कर रहा है किसको, इनिशियल पोजीशन को, इनिशियल इंस्टेंट को, लिहाजा ये तो टाइम नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट में टी 0 होता है ना, इसका मतलब है हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, टी प्राइम इज इक्वल टू 0 को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा, देयर फॉर टाइम टी प्राइम रिक्वायर्ड इज सेम, वो कब, जब उनका डिस्टेंस सेम होगा। पहले हम लोगों ने वो फाइंड आउट किया है टाइम, वो उस वो टाइम जिसके बाद वेलोसिटी सेम हो जाए, ठीक है, तो वो आपके पास पिछले पार्ट में था। अब आपने वो टाइम निकाला है जिसके बाद उनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रॉम ए सेम होने के चांसेस, मतलब बोथ विल बी सेम एंड द डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे मीट अगेन, ठीक है। तो वो आपके पास टाइम इंटरवल बेसिकली क्या होगा, टी प्राइम 65/66/5। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या इस टाइम पीरियड जो 66, ये सेकंड नंबर वाला है 66/5 है, क्या इसके बाद वाकई टाइम जो उनका डिस्टेंस है वो सेम हो रहा है या नहीं। आप इस 66/5 को यहाँ पर पुट करें, एक्स वन में जब यहाँ पर 66 × 65, 66/5 और यहाँ प्लस 66/5 का स्क्वायर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 104.5 फीट। सिमिलरली जब आप यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आपका आंसर आएगा 104.5 फीट। तो इस टाइम इंटरवल के बाद उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है वो क्या है, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल है, उसने कहाँ से स्टार्ट किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है। अगर मैं इसको साथ साथ स्केच कर दूँ आपके लिए तो मैं टाइम और वेलोसिटी ग्राफ बनाने लगी हूँ, ठीक है। ये स्टार्ट ओरिजिन है, यहाँ पर रेस्ट पर है, रेस्ट से स्टार्ट किया है एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, और एक्सेलरेट हुआ है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता गया है, और उसकी वेलोसिटी रीच कर गई है कहाँ तक, वी, मतलब उसने हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी अटेन की वो उसकी क्या आ गई, वी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। द मोशन देन रिटार्डेड, उसके बाद मोशन डिक्रीज होना शुरू हुआ है, रिटार्ड हुआ है, जिसको मैं ये ग्रीन कलर में ड्रॉ करने लगी हूँ, ये मोशन रिटार्ड हो गया। एंड द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस एक्स, और ये पार्टिकल नीचे रिटार्ड होता 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 यहाँ तक पहुंचा है इस पॉइंट तक, और रिटार्डेशन जो है वो देख लेते हैं अभी, और कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एक्स, और एक्स डिस्टेंस टोटल कवर करते हुए उस वो किस पॉइंट पर आ गया है, दोबारा रेस्ट पर आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ए का नाम दे देती हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बी का नाम दे रही हूँ। अब जब एक्सेलरेट हुआ है तो वो कहता है इफ द एक्सेलरेशन इज एफ, एक्सेलरेशन आपके पास एफ है और वो आपको पता है स्लोप की इक्वल होती है, यहाँ पर आपके पास थीटा आ गया θ1। फाइंड द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होती है आर, ठीक है, उसको आपने फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एंगल हो गया θ2, यहाँ पर भी 90 का एंगल और यहाँ पर भी 90 का एंगल। आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन, और टोटल टाइम टेकन आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा पहली ट्राइंगल में वो T1 है, और यहाँ दूसरी ट्राइंगल का जो टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास T2 है, मतलब आपने इन दोनों का सम भी निकालना है। दो चीज़ें निकालनी है, एक आर निकालना और दूसरा इन दोनों का सम निकालना है। तो पहले अगर हम देखें
एक्स आपके पास क्या है। एक्स बेसिकली अगर आप डिस्टेंस देखें तो वो मैंने आपको बताया है कि एरिया अंडर अ कर्व्स होता है, तो वो दो ट्राइंगल का क्या होगा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, इसकी बेस क्या है T1 और ऑल्टीट्यूड क्या है V, तो VT1 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाले का 1/2 बेस आपके पास क्या है T2 और ऑल्टीट्यूड V ही है, तो VT2 हो जाएगा। यहाँ से आप अगर कॉमन लें 1/2 V कॉमन लें तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा T1 + T2। यहाँ से आप सेपरेट कर लें T1 + T2 आपके पास क्या हो जाएगा 2x/V। ये आपने बेसिकली फाइंड आउट कर लिया है टोटल टाइम, क्या फाइंड आउट किया है टोटल टाइम, उसका सम ही फाइंड आउट करना था ना, ये टोटल टाइम पता चल गया। उसके बाद आपने रिटार्डेशन निकालनी है, आपको मालूम है आपके पास स्लोप किसके इक्वल होती है, स्लोप ऑफ ओ ए, ओ ए की स्लोप किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ ओ ए वो किसके इक्वल होगी एफ के इक्वल, और स्लोप को आप किसके इक्वल रखते हैं टेन ऑफ थीटा, और थीटा इस ट्राइंगल के लिए θ1 है, मतलब एफ आपका किसके इक्वल आ जाएगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर आपके पास वी है और बेस आपके पास कितनी है T1। मीन्स ये आप यहाँ से अगर वैल्यू निकालें दिस फर्दर इम्प्लाइज, तो T1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी V/F आ जाएगी। सिमिलरली आप किसकी निकाल सकते हैं अगेन स्लोप ऑफ, अब की बात ए बी की स्लोप निकालनी है, और ए बी की स्लोप को आपने क्या नाम दिया हुआ है आर का नाम दिया हुआ है, वो किसके इक्वल होगी tan θ2 के इक्वल होगी, परपेंडिकुलर आपके पास वी ही है और बेस आपके पास T2 है। यहाँ से अगर आप T2 की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास क्या हो जाएगी दैट विल बी बेसिकली V/R। आपने क्या करना है इन दोनों को उठा के यहाँ पर पुट कर देना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर अगर 1 का नाम दे दूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, 1 आपके पास क्या इम्प्लाई कर जाएगी, 1 विल इम्प्लाई 2x/V, T1 की वैल्यू V/F, T2 की वैल्यू V/R। यहाँ से आप V को क्या ले लें कॉमन ले लें और नीचे डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा वैल्यू जो आपके पास बनेगी, आपने R को सेपरेट करना है 2x/V - V/F = V/R। इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो R की वैल्यू आपके पास बेसिकली क्या बन जाएगी V²F/2fx - V²। तो ये आपके पास रिटार्डेशन की वैल्यू बन गई है, ये इजीली आप निकाल सकते हैं। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास आर बाय में है तो फिर आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो आप ये चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, टू पार्टिकल्स ट्रैवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, दो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं एंड दे आर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट डिफरेंट रेट्स, और डिफरेंट रेट्स पर एक्सेलरेट कर रहे हैं। द मोशन इज सच दैट व्हेन अ पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, के मोशन इस तरीके से है जब पार्टिकल मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा इट्स मोशन इज रिटार्डेड यूनिफॉर्मली, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं इस क्वेश्चन का ड्रॉ करूँ तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने टी ले लिया इंडिपेंडेंट होने की वजह से, और डिपेंडेंट होने की वजह से वी मैंने वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया। आपको वो क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि दो पार्टिकल्स दो डिफरेंट रेट्स पर, ये देखें डिफरेंट रेट्स पर एक्सेलरेट हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक पार्टिकल की एक्सेलरेशन ये ड्रॉ करूँ, इसकी एक्सेलरेशन ए अगर मैं ड्रॉ करूँ तो दूसरा पार्टिकल, अच्छा ये मैक्सिमम हाइट इसने अटेन करी, मैक्सिमम वेलोसिटी मैं इसकी ड्रॉ कर देती हूँ कि एक पहला पार्टिकल वो एक्सेलरेट हुआ एक्सेलरेशन ए से और उसकी वेलोसिटी वी थी, उसके बाद उसने क्या करना शुरू हो गया वो रिटार्ड हो गया, क्या हो गया डिक्रीज कर गई वेलोसिटी, ठीक है कोई बात। अच्छा उसके बाद वो क्या कहता है कि दूसरा पार्टिकल डिफरेंट रेट से था, मतलब दूसरे पार्टिकल को चले मैं यहाँ ब्लैक से ड्रॉ कर देती हूँ कि ये दूसरा पार्टिकल है, ये भी एक्सेलरेट हुआ डिफरेंट रेट से, और इस पॉइंट बी पर उसे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की, वेलोसिटी अटेन करने के बाद वो क्या हुआ वो नीचे आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद टिल्ट ड्रॉ करूँ तो मुझे थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी इस फिगर में, इस तरीके से ये चीज, ठीक हो गई बात कि ये दो पार्टिकल्स थे डिफरेंट रेट्स पर क्या हुए एक्सेलरेट हुए। इस तरीके से जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू वेलोसिटी वी होगी,
जिस तरीके से इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी थी। ठीक हो गई बात, ये पॉइंट आपके पास क्या है, सी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट बना उसके लिए आपको जो वैल्यू मिली है वो टी वन है टाइम, और फिर टाइम टी टू। आगे मजीद रीड करते हैं, द टू पार्टिकल्स कम्स टू रेस्ट साइमल्टेनियसली एट अ डिस्टेंस एक्स, ठीक है, वन आफ्टर द अदर, वो एट अ डिस्टेंस एक्स ट्रेवल करने के बाद वो रेस्ट पर आ गए, और मैंने देखें ग्रीन लाइन को भी रेस्ट पर ले आई हूँ और ब्लैक लाइन को भी रेस्ट पर ले आई हूँ। इफ एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज ए, जो मैंने की यहाँ पर लिखी हुई है, एंड द अदर इज ए बाई टू, और दूसरे की एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है, ए बाई टू, मीन्स ये जो लाइन है ओ बी इसकी एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है, ए बाई टू है, इसकी मतलब स्लोप आपके पास कितनी है, ए बाई टू है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर टू पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम हाइट्स, मैक्सिमम हाइट आपके पास ये है और मैक्सिमम हाइट ये है, आपने बेसिकली इनके दरमियान में डिस्टेंस निकालना है, जब वो मैक्सिमम हाइट लेगा मतलब मैक्सिमम हाइट हो जाए या मैक्सिमम वेलोसिटी हो, एक ही बात है, मैक्सिमम हाइट पे उनकी वेलोसिटी भी अटेन हुई है ना, तो बेसिकली आप लोगों ने वैल्यू कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करनी है, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम स्लोप का फार्मूला लगाएं तो स्लोप आपके पास ग्रीन जो ट्राइंगल है इसकी अगर आप स्लोप निकालना चाहें तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, दैट विल बी बेसिकली इक्वल्स टू, वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, ए टेन ऑफ थीटा ए, और वो आपके पास हो जाएगा ये, अगर मैं ये वाली ट्राइंगल लूँ, ये और ये, मैं चलो यहाँ पर डी और ई का नाम दे देती हूँ, अगर मैं ट्राइंगल लूँ ओ ए डी तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा, 90, ठीक है, और ये ग्रीन से ब्लू तक एंगल जो है वो थीटा 1 है, और ब्लैक से ब्लू तक जो एंगल है वो थीटा 2 है, ठीक है, तो टेन ऑफ थीटा 2 प्रॉपर ब्रशिंग होता है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है वी, और बेस आपके पास क्या है इस ईरा में या इस जगह पर जो टाइम है वो आपके पास टी वन है, तो आपके पास बेसिकली यहाँ से टी वन की वैल्यू क्या आप फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू वी बाय ए। सिमिलरली अगर आप सेकंड के लिए फाइंड आउट करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल ए, दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू ए, अब की बार आपके पास क्या है ए बाय टू है, ए बाय टू, और मैक्सिमम वेलोसिटी वही है वी, लेकिन बाय की फॉर्म में अब आपके पास टी वन नहीं आएगा, क्या आएगा टी टू आएगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है आपका वो बेसिकली क्या है वो टी टू है, ये हो गया, तो यहाँ से जो वैल्यू टी टू की निकली वो आपके पास क्या निकलेगी, दैट विल बी इक्वल्स टू टू वी बाय ए, ये दो वैल्यूज निकल आएंगे। अच्छा, अब आपने क्या निकलना है कि लेट एक्स वन और एक्स टू जो है वो डिस्टेंसेज हैं क्या बेसिकली दो पार्टिकल्स के, जब उन्होंने मैक्सिमम वेलोसिटीज अटेन की है, मतलब यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्टिकल को आते हुए टाइम लेंथ एक्स वन लगी है, मतलब डिस्टेंस कवर किया है एक्स वन, और जो सेकंड पार्टिकल है वो ओ से ई तक जाते हुए जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो एक्स टू, हमें उसके सेंटर वाला डिस्टेंस चाहिए, मतलब एक्स टू में से हम एक्स वन को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो उसके लिए पहले आप एरिया निकाल लें, एक्स वन आपके पास क्या है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी वाली, ओ ए डी, तो वो क्या हो जाएगी बेस, वन बाई टू बेस, बेस इसकी क्या है टी वन, ऑल्टीट्यूड क्या है वी, टी वन की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, वी स्क्वायर बाय टू ए, ये टी वन की वैल्यू है। इस तरीके से एक्स टू बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस क्या ट्रेवल बाय द सेकंड पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल के लिए डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा वन बाय टू, बेस उसकी क्या है बनी है आपके पास टी टू, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक मेंशन करनी है, ठीक है आप कर लीजिएगा, और वेलोसिटी उसकी भी, यहाँ पर टी टू की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा क्या, वी स्क्वायर बाय ए। आपने बेसिकली क्या निकालना है, कहता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स वन है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स टू है, आपने ये सेंटर वाला निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा एक्स टू में से आप क्या माइनस कर देंगे, आप एक्स वन को माइनस कर देंगे, वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा वी स्केयर बाय ए माइनस वी स्केयर बाय टू ए, व्हेन यू विल सिंप्लीफाई यू विल गेट द आंसर वी स्केयर बाय टू ए। Dear student, this was all about today's lecture. Hopefully, you have understood each and everything discussed in this lecture. If you are facing any sort of problem, you are always welcome in a comment section. Make your presence in comment section. Keep a very good care of your health. Keep us in your precious benedictions. Allah Hafiz.